एक मिनट में बम पूछे ना आपसे, मैं पूछ रहा हूँ जी, आपने तो भाई पूछ रहा है जी, आप कौन सी पंचायत है आपकी? जी मैं कंडला द्वार से हूँ। आवाज आएगी क्या? इनकम तो नहीं आ रही है? कंडला द्वार से हूँ जी मैं। हमारे मैं बीपीएल के बारे में ना एसडीएम साहब से अपील करना चाहती हूँ। मैं मुझे मेरे को क्या बोलते हैं इसका चाहिए बीपीएल में नाम चाहिए सर। मैं 2-3 बार प्रधान जी के पास भी गई, राजेश प्रधान, उन्होंने मेरे को सख्त मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे पास नाम थे अब नहीं है, जो थे वो मैंने दे दिए। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं, एक मेरा बेटा, मैं उनका पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द बीपीएल का सर्टिफिकेट दिया जाए। रोजगार का और कोई साधन क्या करते हैं आप? कुछ नहीं है सर, मेरे पास रोजगार का साधन नहीं है, ना ही मेरे पास जमीन है, ना कुछ बात है, कुछ भी नहीं है सर मेरे पास। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत मुश्किलें हो रही है जी। अगर मेरे को बीपीएल का सभी टिकट देते हैं तो मेरे बच्चों की फीस भी कम हो जाएगी। पंचायत का क्या नाम बताया आपने? कंजिला द्वार। प्रधान का नाम? राजेश। तो जब आप प्रधान के पास गए उन्होंने क्या कहा? सर उन्होंने पहले से उनको बीपीएल का वो दे रखा है, जिनके पास जमीन भी है, घर जायदाद भी है, सब कुछ है, उनके सर नौकरी के लिए उन्होंने नाम दे रखा है। और जो हम गरीब है उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ जी, पक्के मकान है और सब कुछ है सर उनके पास, 25-30 बीघा जमीन है उनके पास। उन्होंने मल्टीचार्ज के लिए उनको इसके लिए वो दे रखा है नाम सर, जिनके पास तो 2 मंजिला मकान है, किसी चीज़ की कमी नहीं है सर उनके पास। उनको प्रधान जी ने नाम दे रखा है बीपीएल के सभी टिकट। और सर राशन कोई और ले रहा है और सभी टिकट किसी और को दे रखा है। आपके पति की मृत्यु को कितना समय हुआ? 8 महीने हो गए सर। 2 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। मैं एसडीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ सर, मेरे को जल्द से जल्दी बीपीएल का सभी टिकट बना के दिया जाए।